राजाची प्रजा भावा। तो आज है खाने में पाव भाजी, गुलाब जाम, कांदा। तो आज है दूसरी नाइट गणेश उत्सव की। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लालबाग परेड के गणपति, जैसे कि हर साल व्लॉग होता है। तो इस व्लॉग में विपिन, रणेश, साहेबांचा आईडी गेला है, कारण साहेब आता गेला डोंबिवलीला राहायला। साला ये दुख काय खत्म नहीं होता बे, डोंबिवलीकर। मेरा आईडी कल आने वाला है, मेरा आईडी कल आने वाला है। मेरा आईडी हर साल लेट होता है और इस साल भी लेट हुआ है मेरा आईडी। आपको साहेबांना बोलायचं होतं, सांगायची गरज आहे डोंबिवलीला राहायला गेलो, आईडी नाही, गरज आहे, गरज आहे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੌਗਰ ਜੈਸਿੰਦਰ ਪਰਤ ਲਾਗਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹਰ ਆਪੀ ਸਪਟਾ ਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲਾ ਰੇ ਦੇਵ ਮਾਨੁਸ ਨਿਕਲਾ ਰੇ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਮੰਡਾ, ਇੱਕ ਸਕਾ ਇਟਸ ਵੀ ਅੱਤਾ ਮੰਦੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ। ਤੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਕੀ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਰਹਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵੀ ਮੇਂ। तो ये सारे चिंतामणि का चतुर्थर चतुर्थ वर्ष, जैसे आप देख सकते हैं इस साल का चिंतामणि प्रभु श्रीराम के रूप में है। तो इस साल की मूर्ति है प्रभु श्रीराम के रूप में। साइड में देखोगे तो सीता माता, यहाँ पे देखोगे तो लक्ष्मण जी और नीचे बजरंग बली। दाला का मित्र इथे देख, मोदक आहे ना असा उडवायचा ईश्वरा प्रसाद आता है बाप्पा के लिए। बोल ना, उकड़ी का मोदक कहते हैं। तो वो लाइने मुख दर्शन की और ये लाइने स्टेज के ऊपर की। यहाँ से आपको बजरंग बली प्रॉपर दिख जाएंगे और सीता माता भी। The next day. आज ब्लॉग में प्रियंका दीदी, चेतु दीदी और दाजी। चला से चिंतामणि की लाइन स्टार्ट होती है। अरे हर साल की तरह इस साल भी जत्रा। गणपति के लिए पूरा रोड ब्लॉक किया है, ये सिर्फ लोग आ जा सकते हैं यहाँ से। तो फाइनली राजा को दोस्त आ चुका है, उसने आधे घंटे से ज्यादा मुझे खड़ा रखा। क्यों खड़ा रखा पता नहीं, उसे गुस्सा था मेरे पे या कुछ, पर वो आज बहुत गुस्सा था मेरे पे, इसलिए मुझे उसने आधा घंटा बाहर खड़ा रखा। फिर आया देखे, तो अभी जा रहा हूँ राजा के दर्शन करने। तो ये है मुख्य दर्शन की लाइन। तो ये है नॉर्मल रंग और हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। प्रसाद राजा की गर्दी बगीती है भाई।
राजा की प्रजा भावा। तो मराठी एक्ट्रेस आई है फिलहाल यहाँ पे। तो लालबाग के राजा को बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे जब मैं अभी स्टेज पे था, तो अब हम जा रहे हैं मुंबई का राजा के दर्शन करने। तो इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ डिसाइड किया इन लोगों ने। ये बाघ दरवाजा, फिर महा दरवाजा, ऐसा पूरा इन्होंने बनाया है। गुड़ी उभारी है यहाँ पे, फिर ये पालकी दरवाजा हो गया, जीजाबाईंचा वाड़ा, पाचड़, हिरकणी टोक, टकमक टोक, होळीचा माळ, बाजारपेठ, राणी महल, राजभवन, गंगासागर तलाव, स्तंभ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का 32 मण सिंहासन है सोने का। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय। एक बार मुझे भी रायगढ़ जरूर जाना है, तो अब हम जाएंगे तेजूबाई के गणपति के दर्शन के लिए।
कोने में ले जा बोलू हो भाई एक नंबर है टीवी मध्ये पण आलाय कडक आहे आवडलं भाई आपल्याला माती दे ना थोड़ी अच्छा माती दूसरी कड़ी ओके ओके अरे मी पण आलो टीवी अच्छा आवाज अरे थैंक यू कड़क। तो अभी हम आए हैं गिरन गांव के गणपति के दर्शन के लिए चल। तो ये है गिरन गांव का गणपति। आज इतनी गर्दी है ना बाबा गर्दी की आज गणपति के इस साल बहुत बहुत ज्यादा गर्दी है इस साल गणपति को फाइनली आलो गाँव गांव का राजा बहुत मस्त था। आज पांचवा दिन है गणेश उत्सव का। जस्ट घर के पापा का विसर्जन करके मैं आया हूँ नीचे। तो इस साल गणेश गली में ही रायगढ़ का देखा हुआ है और जो लालबाग का राजा है उसको भी रायगढ़ का ही देखा हुआ है। तो इस वजह से भी शायद गर्दी हो सकती है बट लालबागपुरम में इस साल बहुत ज्यादा गर्दी है कुछ ज्यादा ही गर्दी है। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि मैं थोड़े थोड़े पार्ट में दर्शन कर रहा हूँ। तो हर साल ऐसा होता है कि पहले दिन में लालबागपुरम के सारे गणपति के दर्शन कर लेता हूँ जितने भी है ना 7, 8, 9, 10 सब गणपति के दर्शन कर लेता हूँ। बट इस साल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं 2-3 दिन में कर रहा हूँ। जॉब की लाइफ ऐसी होती है। बाद हम आए रंगारी बजक चार के गणपति को। यहाँ पे पूरी इन्होंने रामायण मतलब साकारी है तो हर साल यहाँ पे शो रहता है। तो इस साल भी शो है आए ना शो तो इस साल भी शो है यहाँ पे। आधी से पालन करने साथी 14 वर्षे वनवासाला जाणाऱ्या प्रभू श्री रामांची पती हेच आपले सर्वस्व मानून पतीला वनवासास साथ देणाऱ्या पतिव्रता अर्धांगिनी सीतामाईची ही कथा आहे। आपल्या पत्नीसह आपले वैभव त्याग करून बंधू प्रेमासाठी रामाबरोबर वनवासाला जाणाऱ्या श्री लक्ष्मणाची आणि ही कथा आहे 14 वर्षे आपल्या बंधूंच्या पादुकांचं सिंहासनावर पूजन करून राज्य करणाऱ्या राजा भरताची। लंका भी श्रावणाचा वध करून प्रभू श्री राम सीता आणि लक्ष्मणासह 14 वर्षांच्या वनवासानंतर पुष्पक विमानानं अयोध्या नगरीमध्ये प्रवेश करतात। तेव्हा राजा भरत शत्रुघ्नासह पुढे येऊन आपल्या ज्येष्ठ बंधू राजाला प्रेमपूर्वक आलिंगन देऊन बोलू लागतात। हे बंधू राजा, मी 14 वर्ष आपल्या पादुकांचं पूजन करून हे राज्य सांभाळेल। आता आपण सिंहासनाधीश होऊन आपलं हे राज्य सांभाळा। भरताच्या विनंतीचा मान राखून श्री राम सिंहासनाधीश होतात तेव्हा राजदरबारात प्रभू श्री रामांच्या नामाचा जयघोष होतो।
या दरबारा प्रभु रामांचा परमभक्त मारुती रायाही आपल्या राजाचं कौतुक आणि स्वागत डोळे भरून पाहत असतात. मारुती रायाकडे पाहून सीताबाई म्हणते, हनुमंत तू आमची अपार सेवा आणि भक्ती केली आहेस. तू आमच्या सर्वांचा लाडका परमभक्त आहेस. तुझ्या भक्तीवरती प्रसन्न होऊन मी माझ्या गळ्यातील एक अत्यंत मौल्यवान असा मोत्यांचा हार तुला अर्पण करते. सीता माईचा आशीर्वाद समजून मारुती राया त्या मोत्याच्या हाराचा स्वीकार करतात आणि थोड्याच अवधीत ते त्या मोत्याच्या हाराचा एक एक मोती तोडू लागतात. दुरून स्मित हास्य करीत श्रीराम हे सर्व पाहत असतात. परंतु सीतामाई कुतूहलाने हनुमंताला विचारते, हनुमंता तू हे काय करत आहेस? माझा मोत्यांचा हार तोडून तू एक एक मणी वेगळा का करत आहेस? तेव्हा मारुती राया नम्रपणे सीतामाईस म्हणतात, माते मी या एक एक मण्यामध्ये प्रभू श्रीराम कोठे आहे ते पाहतो आहे. प्रभू श्रीराम हारामध्ये कुठेच दिसत नाही. तेव्हा सीतामाई म्हणते, तुझा भगवंत जर या हारात नाही तर तो कोठे आहे? दाखव आम्हाला. मारुती राया आपलं विराट रूप धारण करून छाती फाडून आपल्या हृदयातील प्रभू श्रीरामांचं सर्वांना दर्शन घडवतात. हे पाहून प्रभू श्रीराम आणि सीतामाई प्रसन्न होऊन मारुती रायाला वरदान देतात की माझ्या पुढील अवतारात सुद्धा तू माझ्या सोबत असेल. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सद्गुणोत्तम उजागर राम ज्योत अतुल बल धामा अंजनि पुत्र भवन सदनामा महावीर विक्रम बजरंगी उपद निवार सुमति के संधि गच्छद बरन विराज सुवेश भानन कुंडल कुंचित केश चिंतामणी का गेट. तो आज साथ होने वाला है रोहन. तो कुछ गणपति मैंने किए घर वालों के साथ, कुछ किए प्रणेश के साथ, और बाकी के गणपति है वाला है मेरे साथ. भाई एज यूजुअल आमची जोड़ी गणपति मध्ये दिसणार ना असं कधी होणार नाही. हम देखने वाले हैं लक्ष्मी कॉटेज का गणपति. तो इसके बाद हम देखेंगे परचा एकच राजा. तो ये बप्पा की प्रतिमा ऐसे ही रहती है हर साल, और इनकी जो चेंज होती है वो ये.
मुझे आज पता चला कि परळचा एकच राजा को 104 साल हो गए। एक्चुअली मुझे लगा लालबाग परळ में सिर्फ चिंतामणि है जिसे 104 साल हो गए, बट अब मुझे आज फर्स्ट टाइम ऐसा पता चल रहा है कि परळ का एकच राजा इसको भी 104 साल पूरे हो गए। तो इसके बाद है परळचा विघ्नहर्ता और ये मूर्ति 24 फुट की है। आई थिंक लालबाग परळ में सबसे बड़ी यही रहेगी इस साल। तो इसके बाद है परळचा महाराजा। तो एक्चुअली सबको लगे भूख, तो अभी हम आए कीर्तिमाल में डिनर के लिए। तो खाना खाने के बाद अब हम आए हैं लाल मैदान सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का बाप्पा देखने। तो जैसे कि पिछले साल कमेंट आए थे कि लालबाग परळ में बहुत सारे गणपति थे, मैं सिर्फ 5-6-7-8 दिखा था वो। तो इस साल मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने गणपति मुझे पता है, नहीं तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कितने गणपति बैठते हैं, तो उतने सारे कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर इनकेस कोई बाप्पा छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं अगले साल उस गणपति बाप्पा को कवर ज़रूर करूँगा। तो इस बाप्पा का नाम है परळचा इच्छापूर्ति। तो अब हम आए हमारे फाइनल बाप्पा को परळ के, परळचा राजा।
दिख रहा है ये बहुत ही सुंदर ऐसी पेंटिंग कर रहे हैं बापा की। तो हर साल की तरह इस साल भी ओमकार हमें गणेश उत्सव में मिला है। नमस्कार भावा, थैंक यू दर्शन दिल्याबद्दल। छोटा है तो ये मेरे फ्रेंड का पेट, बहुत क्यूट है। तो ये लालबागचा राजा था मेन गेट। तो ये ऐसा पूरा रोड बंद रहता है गणपति में, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आए कादव की चा महागणपति को, प्लान लालबाग के राजा के मुख दर्शन के लिए है। बाल गणेश का बल्ला है जो तो ये रास्ता है बाल गणेश के बल्लाड़ेश्वर का, बट ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया है, तो आपको पूरे सीधा सदन से आना पड़ेगा अगर बल्लाड़ेश्वर के दर्शन करने हो तो।
तो ये ब्लॉग मैं यही पेंट करता हूँ। अगर कौन सा बापा छूट गया होगा मुझसे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगले साल मैं उस बापा को ज़रूर कवर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मंडला आभारी है।